जब एक लड़की को एक लड़का जीवन साथी मिल गया, उसको पता चल गया ये इससे मेरा संबंध है, तो वो कार्य करेगी क्या? उसको प्रसन्न करने का। और प्रसन्न करने का कार्य करने के बाद अब उद्देश्य क्या है? विवाह तो कर लिया, सेवा भी शुरू कर दी, लेकिन उद्देश्य क्या है? संतान की उत्पत्ति। उसी तरह से जीव का भगवान के साथ संबंध जुड़ गया मामाई वंश, और उसने भक्ति का प्रोसेस भी शुरू कर दिया, नाम जप करना, चार नियम का पालन करना, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? अभी देह, उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन क्या है? वो है हमारे हृदय में जो भगवान का प्रेम पहले से ही स्थापित है, पहले से ही पड़ा हुआ है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में है, उसको प्रकट करना है, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो ये प्रेम की शिक्षा, ये भगवान के प्रेम की शिक्षा है, वो हमें कौन देगा? वो हमें देगी भक्ति रसा अमृत सिंधु। तो ये चार शास्त्र हम क्यों पढ़ते हैं? चार शास्त्र हम इसलिए पढ़ते हैं, भगवत गीता और ऋषि उपनिषद से संबंध ज्ञान प्राप्त होगा, और उसके बाद उपदेश अमृत जो है उससे हमें अभी देह भक्ति का प्रोसेस पता चलेगा, और प्रयोजन अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए हम क्या पढ़ेंगे? भक्ति रसा अमृत सिंधु। और